सर, ये शिया सुन्नी में क्या फर्क है? अच्छा बच्चों, शिया और सुन्नी में कोई फर्क नहीं है। ये इस्लाम के दो बाजू हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पहचान के लिए जो है ना, इनको थोड़ा मुनफरद करके तो पेश किया गया है। दरहकीकत ये मुसलमान ही हैं, हम सब मुसलमान हैं, और इस तकसीम में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसा कि इकबाल साहब ने भी अपने शेर में यही कहा है ना, कि उसका मकसद यही था इस शेर का कि शिया और सुन्नी को लड़वा करके दुश्मन जो है वो अपने मकासद, मजमून मकासद जो है उसके हुसूल के लिए वो लड़वाता है और अपना जो है मुफाद वो हासिल करता है। ठीक है, आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर, सीरिया के अंदर, जहां कहीं भी ये तमाम तर जो एरियाज हैं जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है, वहां पर भी क्यों जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहीं पर ही क्यों जुल्म हो रहे हैं? इसी वजह से कि दुश्मन जो है वो अपना नसूर ये फिरकावारियत को उस मुआशरे के अंदर दाखिल करता है और फिर जो है वो अपने मजबूत मकासद के हुसूल के लिए जो है वो ये सारे मामलात करता है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि अंग्रेज और हिंदू मिलकर के मुसलमानों को जो है वो कत्ल करते थे। कभी किसी ने ये पूछा था किसी से कि भाई आप शिया हो या आप सुन्नी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मुसलमान समझ के कत्ल करते थे। और आज ये वक्त की जरूरत है, हमें इस फिरकावारियत से बिल्कुल अपने अजहान को खाली रखना चाहिए। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो शिया है, वो सुन्नी है, या इस बुनियाद पे किसी से नफरत फैलाएं, बल्कि हमें पुरान मुआशरे के क्याम के लिए हमेशा आपस में वहदत व इत्तेहाद को जो है वो शामिल हाल रखना चाहिए। ठीक है, और ताकि हम आगे मजीद तरक्की कर सकें और जो है अपने मुआशरे को ऊपर लेकर जाएं, और आलम इस्लाम के अंदर और पूरे आलम के अंदर हम एक अपनी पहचान बनाए। ठीक है, अब बहसियत कौम, एक जिंदा दिल कौम और एक बेदार कौम की हैसियत से। वालेकुम सलाम बेटा, ये बाबा ने दिया नियाज इमाम हुसैन की। ये बाबा को मेरी तरफ से देना, जिन सबीले इमाम हुसैन में डाल दे मेरी तरफ से। हैं जाओ। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। सीन नमाज पढ़ने चले। अरे ये क्या बात हुई, मस्जिद तो घर के करीब ही है।
है मेरे अहले सुन्नत भाई, है मेरे अहले सुन्नत जवान, है मेरे अहले सुन्नत बुजुर्ग मुफ्तियान कराम, ऐ उलमाए अहले सुन्नत, ऐ अहले हल व अक्ल, ऐ अहले कलम, है मेरे सुन्नी भाइयों, भाई नहीं है, हमारी जान है, जान है। आपने देख लिया ये लश्कर कशी जो मुजाहरे शुरू कराएंगे, कहां लेके जा रहे हैं आपको? यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, मौला अली पर सब शितम हुआ इन मुजारों के अंदर। किधर लेके जा रहे हैं आपको ये लोग? हमने तो नहीं कहा जनाब सजदे कायनात की तोहिन की कि अहले सुन्नत ने ये किया है। हमने 20,000 से ज्यादा जनाजे उठाए, हमने तो नहीं कहा अहले सुन्नत ने हमें कत्ल किया है। हमने एक मसलक को तो नहीं ब्लेम किया, हमने कहा कुछ दहशतगर्द तकफीरी लोग हैं जो कर रहे हैं। शिया जवान सुन्नी जवान आप भाई वापस में, आखिरी नबी के मानने वाले, आपका कुरान एक है, आपका नबी एक है, आपका काबा एक है, आपका खुदा एक है, आपकी कियामत एक और माद एक है। इन फितनों के मुकाबले में खड़े हो जाएं मिलकर, हम रोके इस फितने को। अरबईन सैयदुश्शुहदा हम पाकिस्तान में, शिया सुन्नी तमाम हुसैनियों की यूनिटी के दिन के तौर पर इंशाल्लाह इसको बरगुजार करेंगे, हम सब निकलेंगे।